Today we will discuss about gynandromorphs. What are gynandromorphs? Gynander or gynandromorphs are the organism in which the body consists of both male and female parts in a single individual. जब किसी एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम गाइनेंडर या गाइनेंड्रोमॉर्फ्स कहते हैं। गाइनेंड्रोमॉर्फ्स ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसमें गाइनी मीन्स वुमेन, एंड्रो मीन्स मेन एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म, मतलब कि जिसमें मेन और वुमेन या मेल या फीमेल दोनों फॉर्म एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है उसे हम गाइनेंड्रोमॉर्फ्स कहते हैं। गाइनेंडर्स या गाइनेंड्रोमॉर्फ्स स्टराइल होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती और नॉर्मल इंडिविजुअल के कंपैरिजन में उनका लाइफ स्पैन भी कम होता है। गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म जो है उसे सिल्क वर्म, बीज और फ्रूट फ्लाइज में देखा जा सकता है और मॉर्गन और ब्रिजेस ने सबसे पहले ड्रोसोफिला में इसको डिस्क्राइब किया था। टाइप्स ऑफ गाइनेंड्रोमॉर्फ्स, गाइनेंड्रोमॉर्फ्स मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, बायलैटरल गाइनेंड्रोमॉर्फ्स, एंटीरियर पोस्टीरियर गाइनेंड्रोमॉर्फ्स एंड सेक्स बाइवाल्व्स। फर्स्ट, बायलैटरल गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। बायलैटरल गाइनेंड्रोमॉर्फ्स जो होते हैं, इस टाइप के गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म में जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक पार्ट जो होगा वो मेल पार्ट को शो करेगा और दूसरा फीमेल को शो करेगा, मतलब मेल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। सपोज लेफ्ट वाला पार्ट अगर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है तो राइट वाला फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं बायलैटरल, सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बायलैटरल होता क्या है। आप लोगों ने बायलैटरल सिमेट्री के बारे में सुना होगा, बायलैटरल सिमेट्री होती क्या है? तो बायलैटरल सिमेट्री रेफर्स टू ऑर्गेनिज्म विथ बॉडी शेप्स दैट आर मिरर इमेज अलोंग अ मिड लाइन कॉल्ड द सेजिटल प्लान। मतलब ऐसी सिमेट्री जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाता है उसे हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो यहाँ बायलैटरल गाइनेंड्रोमॉर्फ इसे बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि इसका एक पार्ट जो है, मतलब बॉडी का आधा पार्ट जो है वो अलग, मतलब जैसे बॉडी का आधा पार्ट मेल पार्ट को शो करता है और आधा फीमेल पार्ट को शो कर रहा है, मतलब फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। तो इस टाइप के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायलैटरल गाइनेंडर्स। एंटीरियर पोस्टीरियर गाइनेंड्रोमॉर्फ्स, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो उनकी बॉडी होती है उसके एंटीरियर पार्ट में किसी एक सेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और पोस्टीरियर पार्ट में किसी दूसरे सेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि एंटीरियर पार्ट में मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो पोस्टीरियर में फीमेल के होंगे और एंटीरियर में फीमेल के होंगे तो पोस्टीरियर में मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सेक्स बाइवाल्व्स, सेक्स बाइवाल्व्स जो होते हैं ये जो गाइनेंड्रोमॉर्फ्स होते हैं इनके अंदर जो फीमेल टिश्यू होता है उस फीमेल टिश्यू के अंदर मेल टिश्यू जो होते हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं, मतलब फीमेल टिश्यू और मेल टिश्यू दोनों मिक्स हो जाते हैं और इस कारण से एक मोज़ेक फॉर्म डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं सेक्स बाइवाल्व्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मोज़ेक, मतलब चितकबरा रूप इसको देते हैं, ये पाइथन और केट में देखा जा सकता है। ओरिजिन एंड अकरेंस ऑफ गाइनेंड्रोमॉर्फ्स, फर्स्ट बाय एलिमिनेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड सेकंड बाय रिटेंशन ऑफ पोलर न्यूक्लियस इन द एग। हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं पहले बाय एलिमिनेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यहाँ हम ड्रोसोफिला का एग्जांपल लेते हैं। ड्रोसोफिला के अंदर यहाँ देखोगे आप कि जो जायगोट न्यूक्लियस है उसके अंदर एक्स एक्स कंडीशन है, जो फीमेल है उसमें एक्स एक्स कंडीशन है। अब यहाँ आप देखते हैं, देखेंगे हम कि जो एक्स एक्स जो है जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो ये 2x कंडीशन 4x में चेंज हो जाती है। जब ये 4x में चेंज हो जाएगी और डॉटर सेल में जब इन क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो 2x इधर जाएंगे और 2x इधर आएंगे। तो यहाँ आप देखिए इधर तो 2x आ गए, तो यहाँ तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ये फीमेल में डेवलप हुआ है। अब इधर 2x आने की बजाय सिर्फ एक ही x आ पाया है, एक x का एलिमिनेशन हो गया या फिर उसका लॉस हो गया है, मतलब एन्यूप्लोइडी हो गई है। ड्यू टू एन्यूप्लोइडी यहाँ क्या हो रहा है, अब एक ही एक्स क्रोमोसोम आता है, इस वजह से ये किस में डेवलप हो गया है, अब मेल में डेवलप हो गया और ये एक टाइप का क्या हो गया, गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म हो गया कि एक पार्ट जो है वो मेल शो करता है, मेल कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है और दूसरा फीमेल को शो कर रहा है। सिल्कवर्म की जो फीमेल होती है उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है ZY होता है, यहाँ हेट्रोगेमेटिक फीमेल होती है, जबकि ह्यूमन बींग के अंदर फीमेल होमोगेमेटिक होती है, वहाँ कंडीशन XX होती है और जबकि यहाँ पर ZY से इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
जब मियोसिस होता है तो जेड और वाई दोनों सेपरेट हो जाते हैं, जेड एक सेल के अंदर चला जाएगा और वाई है पॉलर बॉडी या पॉलर पोलोसाइट्स में, पोलोसाइट जो सेल है उसमें चला जाता है। लेकिन जब एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में जेड और वाई दोनों सेपरेट नहीं हो पाते और एक ही सेल में रह जाते हैं, तो एक बाइन्यूक्लिएट एक बन जाता है। अब इस कंडीशन में जब इससे एक स्पर्म आकर फ्यूज होता है जिसमें कि जेड क्रोमोसोम है, तब यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग बनेगी उसकी वो दो टाइप की बन सकती है, ये जेड जब जेड से मिलेगा तो जेड जेड कंडीशन, और ये जेड जब वाई से मिलेगा तो जेड वाई। तो यहाँ पर जेड जेड तो मेल हो बनेगा और जेड वाई फीमेल टिश्यू बनेगा। तो दो अलग अलग टिश्यू जो हुए, मेल और फीमेल टिश्यू एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गए, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म का ओरिजिन होता है। थैंक यू।